है, इन्हें चले चले लगा रखी है, सेंटी था नहीं। हेलो दगड़ियों, नमस्कार, राम राम, फैलाक, और कैसे हैं आप सभी लोग। और यार जैसा कि आपने देखा कि कैसा यार मेले की बहुत धूम है यहाँ, तो बहुत तगड़ा हो रहा है मेला यार, कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ मतलब मैं। और जैसा कि आप देख रहे हो कि भैया आज हमारे साथ है रोहित भैया हमारे, नमस्कार। ये हमारे साथ में ही रहते हैं, शूट करते हैं वीडियो, एक नंबर टिच वीडियो शूट करता है हमारा रोहित। भैया रेडी हो आप? रेडी है। देखो भैया रेडी है ये शूट दिखाने के लिए आपको। चलो दिखाते हैं आपको इस मेले की झलकियाँ, कैसा कैसा रहता है विसर्जन तक। क्षेत्र की समस्त जनता को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 19 तारीख से 21 तारीख तक यहाँ चिन्यानौला में गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया था। 19 तारीख से गणेश मूर्ति की स्थापना की गई, जिसमें कलश यात्रा निकाली गई चिन्यानौला क्षेत्र में। चिन्यानौला की समस्त जनता ने हमारा बहुत सहयोग दिया, यहाँ के गणमान्य लोग जो हमारे साथ हैं, इन सबका सहयोग रहा, भगत जी का, प्रतीक जी का और प्रवीण आर्या जी का, सभी बड़ों ने हमें आशीर्वाद दिया, जिससे यह यात्रा काफ़ी भव्य रही। कल 18 तारीख को मेले के साथ साथ यहाँ शाम को एक जागरण का प्रोग्राम किया था, जिसमें काफ़ी महिलाओं ने शिरकत की और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें करीब करीब 5 से 6 हज़ार लोगों ने यहाँ भंडारे का भोग लिया। और आज यहाँ पर आज मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है, जो यहाँ से चिन्यानौला से यात्रा के रूप में निकल के फिर जाएंगे हम तिपौला के लिए। और हम समस्त जनता का, क्षेत्रीय जनता का, रानीखेत की जनता का और जो हमारे आसपास के गांव हैं, सभी का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पहले तो सर्वप्रथम प्रणाम चिन्यानौला की समस्त जनता को और रानीखेत की जनता को, जिन्होंने हमें इतना सहयोग दिया। 19 तारीख को हमने यहाँ पर मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम रखा था, यहाँ पर क्या कहते हैं भोग, एक भंडारे का आयोजन किया गया। आज हमारा मूर्ति विसर्जन है
और सबसे बड़ा धन्यवाद उन लोगों को जैसे हमारे अरुण रावत जी हैं, महेश्वरी अंकल हैं, प्रवीण आर्या जी हैं, ऊपर कमला बिष्ट हैं, भगद्दा हैं, और जो हमारे अध्यक्ष हैं प्रदीप नेगी। सबसे बड़ा कहते हैं जो अभिनंदन करना चाहिए इन लोगों का करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही ये मेले को एक भव्य रूप दिया गया। और मैं चाहूँगा चिलानल क्षेत्र और रानीखेत क्षेत्र, ये इलाके की पूरी जनता इन लोगों से चाहेगी कि अगली बार इस मेले को और भव्य रूप से प्रकाश में लाने का कष्ट करें, और इसमें जितना भी सहयोग चाहिएगा हम लोग अपने तन मन धन तीनों तरीके से अपना समर्थन देने के लिए इन लोगों को तैयार हैं। धन्यवाद। विसर्जन के लिए निकल चुके हैं और काफी भीड़ हो रही है यार, बहुत लोग आए। भयंकर मेरी तो शक्ल कैसी हो गई यार ये। चले चले लगा रखी है सेंटिता ने। अभी हरड़ा देवी पहुंचे हैं हम, 4 बज रहे हैं और हमारे बुढ़बाड़ी सब बह गए गाड़ी में। हेलो, तो अब हम चल पड़े हैं हरड़ा दारा से। यार कॉपीराइट का इशू हो गया ना रोहित, वरना हम इसको पूरा लाइव दिखाते ना। कॉपीराइट का बड़ा वो लगता है यार। तो अभी हम इस वक्त पहुंच चुके हैं डिंगा से थोड़ा सा नीचे, और मेरे पीछे देख सकते हैं आप ये मंदिर है नीचे, गुप्त काशी का मंदिर। मेरी पिछली वीडियो में मैंने देखा होगा, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं गुप्त काशी का मंदिर। और अभी यहाँ से रह जाता है आपका अराउंड 7 किलोमीटर के आसपास रह जाता है नीचे त्रिपोला। गुप्त काशी बहुत बढ़िया जगह है यार, अगर जिन लोगों ने नहीं देख रखा ना वो आ सकते हैं यार। गुप्त काशी बहुत मस्त जगह है, भोलेनाथ का एकदम बहुत बेस्ट मंदिर है। I'm gonna do it.
भोले बाबा की बम बम भोले बम बम भोले बम बम तो अब हम विसर्जन करके आ चुके हैं और हम वापसी कर रहे हैं रानीखेत की तरफ को। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर इसमें कमेंट करें यार, ज़रूर करें कमेंट, और लाइक तो और लाइक करना है, कमेंट करना है, और उसके बाद आपका क्या कहते हैं इसको, रोहित क्या कहते हैं, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। जो बंदे नए हैं हमारे वो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो मेरी बहुत जल्दी आए और बहुत अच्छी बने, इससे भी अच्छी बने यार। और यार जो भी होता है अच्छा बुरा बताया करो यार, है नहीं, मैं तो खाली ऐसी वीडियो बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिलहाल होती है हमारी वही पुरानी सलाम नमस्ते राम राम गुड बाय नमस्कार बाय 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 बाय।